तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गौतम टेक। मेरा नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए स्कीम के बारे में जो सीबीएसई ने 10th क्लास वालों के लिए निकाला है। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है 10th क्लास वालों के लिए। तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था 14 तारीख को कि सीबीएसई कैंसिल हो जाएंगे 10th क्लास वालों के लिए और पोस्टपोन हो जाएंगे 12th क्लास वालों के लिए। तो 1 तारीख को एक नई स्कीम आई है। आपको जाके cbse.gov.in पे जाके देख सकते हो। एक पीडीएफ आया 17 पेजेस का, उसमें मैं थोड़ी थोड़ी मतलब मोटी मोटी हेडिंग्स और मतलब बिग बिग न्यूज में आपको बता देता हूँ क्या क्या है। पहले तो स्टार्टिंग में ये दिखा रहा था कि बैकग्राउंड जो था उसके अंदर क्या था, 14 मई तक और 7 मई तक जो पेपर होने थे वो सीबीएसई ने 10th वालों के कैंसिल कर दिए। और उसके ऊपर एक निकाला ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डेवलप करेगा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो निकाला है, तो उसमें होगा क्या, आपके पिछले जो मतलब पूरे साल में जो टेस्ट पेपर प्री बोर्ड हाफ ईयरली मतलब सारे जितने भी पेपर हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जितने हुए उन सबको डिवीजन करके एवरेज निकाला जाएगा सबका और उस हिसाब से मार्क्स देंगे। और आगे चल के ये बताऊंगा कि मैं मार्क्स मिलेंगे कैसे, किस हिसाब से मिलेंगे उनके लिए। क्या होता है 20 मार्क्स का पूरा मतलब पेपर होता है, सॉरी 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। 20 मार्क्स का हमारा होता है इंटरनल असेसमेंट के लगते हैं, जो हमारी फाइल्स बनती है और एनुअल फाइल बनती है, जो प्रोजेक्ट बनते हैं उनसे 20 मार्क्स लगते हैं, वो तो टीचर देगा। और जो 80 मार्क्स है वो तुम्हारी ईयरली एंड बोर्ड एग्जाम जो हमारा बोर्ड कैंसिल हो चुका है उसके 80 मार्क्स लग रहे थे। तो इंटरनल असेसमेंट का तो स्कूल वालों ने लगा दिए, जो तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर हैं उन्होंने लगा दिए। और उसके बाद जो 80 मार्क्स का है उसके ऊपर आते हैं, जो 80 मार्क्स लगाएंगे वो सारे लगेंगे तुम्हारे पूरे साल के उस पे मार्क्स बेस पे। जैसे तुम्हारा जो ऑनलाइन पेपर हुआ है वो 20 मार्क्स का हुआ है या फिर जो 30 मार्क्स का हुआ है जिसमें मतलब तुम्हारे बहुत ज्यादा हाई स्कोर जिसमें तुमने कर रखा है उस वाले पेपर को पकड़ेंगे और उसके एवरेज निकाल के तुम्हारे मार्क्स देंगे। और आगे बताता हूँ मैं तुम्हें, हाँ ये भी बताया गया कि 5 टीचर तुम्हारे स्कूल के होंगे, मैथ्स सोशल साइंस साइंस और 2 लैंग्वेज के इंग्लिश और हिंदी के 5 टीचर ही होंगे। 2 होंगे तुम्हारे एक्सटर्नल टीचर होते हैं जो बाहर से आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो स्कूल में आते हैं और वो तुम्हारे मार्क्स डिक्लेयर करेंगे। ठीक है भाई, बच्चे ने इतना किया 20 मार्क्स मतलब 40-50 जितने मार्क्स आए उस हिसाब से एवरेज निकाल के 40-50-60 जितने भी देंगे वो देंगे। उसके नीचे अब बात आती है कितने कितने मार्क्स कहां कहां से और कौन कौन सी कैटेगरी से उठाए जाएंगे। तो पहली कैटेगरी आती है यूनिट टेस्ट और पीरियोडिक टेस्ट, जो मतलब तुम्हारे वीकली और मंथली जो लेते हैं टीचर, जो गूगल डॉक्यूमेंट और माइक्रोसॉफ्ट पे लेते थे टीचर की, हाँ भाई एमसीक्यूज हैं इसको करके दो, चैप्टर के एक एक टेस्ट होता था, तो 10 मार्क्स वहां से उठाए जाएंगे। अब ये मत डरना कि हम हर एक में 0 लेके आते थे या किसी ने लिए करे नहीं होंगे या किसी ने सारे करे होंगे सब में सबके सब में फुल थे। इसमें करा क्या जाएगा, मैक्सिमम कुछ नहीं करा जाएगा। इसमें तुम्हारी ये मार्क्स देखे जाएंगे कि इंग्लिश में 15-20 टेस्ट होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ और किस एवरेज पे तुम्हारे आ रहे हैं उस टेस्ट को उठाया जाएगा और मार्क्स तुम्हारे लगा दिए जाएंगे। हाफ ईयरली और मिड टर्म एग्जामिनेशन, इसका मतलब ये जो हाफ टर्म होते हैं जो सेप्टेम्बर में होते हैं वो ऑनलाइन हुआ थी, इस साल सबके ऑनलाइन हुए थे 10th वालों के, तो उसमें से 30 मार्क्स उठाए जाएंगे। और जिनका प्री बोर्ड हुआ है, जैसे प्री बोर्ड मेरे स्कूल मार्जगढ़ स्कूल है उसके अंदर हमारे 3 प्री बोर्ड हुए हैं। जैसे मैंने एक लास्ट वाले में मेरे ज्यादा मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, फर्स्ट वाले में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो हुआ देखा क्या जाएगा 3 प्री बोर्ड जैसे हमारे स्कूल में हुए, किसी कोई बच्चे 2 में फेल हो गया, कोई 1 में फेल हो गया, कोई सब में फेल, तो उसमें करा जाएगा जो सब में फेल है ना उसमें तीनों के एग्जाम वो मार्क्स मिला के एक करके और एवरेज निकाल के उसमें से तुम्हें 40 मार्क्स दे देंगे। और जो सोच रहे हैं कि जैसे मैं 2 में फेल हो गया तो 1 का क्या हुआ, तो जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे जैसे तुम्हारे प्री बोर्ड 1 में अच्छे आए थे या फिर प्री बोर्ड 2 में आए थे तो सबसे अच्छे मार्क्स उठाए जाएंगे और सबसे अच्छे मार्क्स से ही तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे। ये टोटल बन के 80 मार्क्स हो जाते हैं और इसके आगे कुछ ज्यादा नहीं है और इसके नीचे दिखाता हूँ मैं आपको। और लास्ट में ये बताया गया है, ये मतलब मैं आपको बिग बिग न्यूज दे रहा हूँ जो मतलब जो मेन में है। और सबसे लास्ट में ये बताया गया है 11th क्लास में प्रमोट हो जाएंगे जितने भी बच्चे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और स्कूल और जो सीबीएसई है वो सब फेयरनेस से करेगा, मतलब सब मतलब ऐसा नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा किसी भी स्टूडेंट के बीच में।
और इसमें ये बताया गया कि 1 मंथ का तो टाइम लेगा लेगा स्कूल वो बनाने में, मतलब 20 से 30 दिन लेगा। मतलब ये मान लो आज मैं 2 तारीख को वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये एक न्यूज कल आई थी 1 तारीख को, तो कल से ये स्कूल में लागू हो गया होगा। मतलब सारे टीचर मार्क्स और तुम्हारे जितने पुराने रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो सब कलेक्ट करने लग गए होंगे कि हर एक बच्चे का अलग अलग बनेगा, ये बताया गया है। और सबका बन के जो भी बनेगा प्रोसेस जो कंप्लीट होगा वो शायद 20 जून को कंप्लीट हो जाएगा, और 20 से 25 तक हमें रिपोर्ट कार्ड हमारे हाथ में दे दिए जाएंगे। उससे पहले अब बच्चे सोचेंगे कि क्लास 11th क्लास स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। कुछ स्कूल में 11th क्लास की थोड़ी थोड़ी क्लासेस स्टार्ट होगी, मेरे स्कूल में कंप्यूटर क्लास स्टार्ट होगी हमारी, मतलब कंप्यूटर के चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास हो रही है इस टाइम पे। किसी किसी स्कूल में छुट्टी दे दी गई है जब तक के लिए मतलब रिजल्ट नहीं निकलता है, और हमारे स्कूल में तो अभी पढ़ाई हो रही है थोड़ी बहुत, तो यही सिस्टम रहेगा और कुछ भी सिस्टम नहीं है। तुम्हें स्ट्रीम चूज करने के लिए एक लिंक दिया जाएगा, उसमें तुम्हें भरना पड़ेगा जैसे हर एक स्कूल में होता है, हर एक स्कूल में हो चुका होगा, हमारे स्कूल में हो चुका है, जिसको ऑनलाइन गूगल फॉर्म पे ही भरा जाएगा स्ट्रीम लॉगिन करके। उसके बाद फिर बच्चों की क्लास बांटी जाएगी कि आर्ट्स क्लास वाले, साइंस क्लास वाले, कॉमर्स क्लास वाले जैसे होंगे, उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत कम सब्सक्राइबर है, 121 सब्सक्राइबर, जल्दी जल्दी 200 तक तो पहुँचा ही दो। और मैं ऐसे नए नए मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में और ये नए नए अपडेट लाता रहूँगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।